ऐसा रोज नहीं होता कि आपको एक ब्रांड न्यू 12 सिलेंडर कार देखने का मौका मिले, और अब जिस तेजी से दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है ये और ही मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन लैम्बोर्गिनी ने कहा है कि वो V12 इंजन को बरकरार रखेगा और उसे इस ब्रांड न्यू सुपर कार में लगा दिया है जिसका नाम है रिव्यू एल्टो। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्या है रिव्यू एल्टो की खासियत, पर ये वीडियो शुरू करने के पहले आप कारण बाइक हिंदी को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी खबरें और सारे रिव्यूज लगातार मिलते रहेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। रिव्यू एल्टो जो है वो एक टिपिकल लैम्बोर्गिनी की तरह दिखती है। इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली थोड़ी सी डिसेप्टिव मालूम होती है, क्योंकि ये नियरली 5 मीटर लंबी है, लॉन्ग है, लो है, वाइड है, जैसे आप एक लैम्बोर्गिनी सुपरकार से एक्सपेक्ट करेंगे। काफ़ी कट्स एंड क्रीजेज हैं इस पर, कई सारे क्यूज आप देखेंगे जो पहले की लैम्बोर्गिनीज पे हमने देखा है, कुछ कॉन्सेप्ट मॉडल्स का डिज़ाइन क्यूज भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस गाड़ी पे फ्रंट व्हील्स जो हैं वो 21 इंच हैं, रियर व्हील्स 22 इंच हैं, सीजर डोर्स सबका ध्यान ज़रूर बटोरते हैं, और पीछे की तरफ आप देखेंगे जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो भी वाई शेप में हैं, और इसमें सेंट्रल एग्जॉस्ट्स लगे हैं जो गाड़ी के रियर एंड को काफ़ी एक प्रेजेंस ज़रूर देते हैं। उसी के साथ साथ इसका जो इंटीरियर है वो भी पहले से ज़्यादा स्पेशियस है, और इसमें 3 स्क्रीन लगे हैं, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले है, एक सेंट्रल 8.4 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, और पैसेंजर के लिए एक 9.1 इंच डिस्प्ले है, और लैम्बोर्गिनी कहता है कि इसमें पैसेंजर्स के लिए पहले से ज़्यादा रूम भी बना दिया गया है। रिव्यू एल्टो का क्राउन ज्वेल काफ़ी प्राउडली डिस्प्ले किया गया है, पहले की ही तरह आप देख सकते हैं जो 6.5 लीटर का V12 इंजन है उसे यहाँ पे एक एक्सपोज तरीके से रखा गया है। इस इंजन की टोटल आउटपुट 800 हॉर्स पावर से ज़्यादा है, लेकिन इस बार ये इंजन अकेला नहीं है, बिकॉज इसके साथ हैं 3 इलेक्ट्रिक मोटर। कंबाइंड पावर आउटपुट रिव्यू एल्टो की 1000 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा है, और इसकी 0-100 kmph टाइम है सिर्फ 2.5 सेकेंड। तो जितने टाइम में आपको इसका नाम कहने में लगेगा उतने ही टाइम में ये गाड़ी 0-100 किलोमीटर एन आर चली जाएगी, और इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर एन आर से ज़्यादा है। ये एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लैम्बोर्गिनी इसे HPEV कहता है, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट ये एक PHEV है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें एक लगा है करीब 4 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसे आप चार्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज पोर्ट जो है वो फ्रंट के अंदर है, तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल तो ज़रूर होगा, लेकिन लैम्बोर्गिनी कहता है कि इसे आप रेगुलर ड्राइविंग में भी चार्ज कर पाएंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू। टोटल रेंज सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पे करीब करीब 10 किलोमीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक स्टॉप गैप मेजर है। इसे आज भी लैम्बोर्गिनी चाहता है कि आप पूरा V12 के दम पे ही चलाएं। रिव्यू एल्टो की कीमत भारत में है करीब 9 करोड़ रुपए, और सारे टैक्सेस मिला के आप इस गाड़ी के लिए पे करेंगे 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, और ये प्राइस बिना ऑप्शंस के है, तो जैसे ही आप ऑप्शंस ऐड करेंगे ये प्राइस और ऊपर चली जाएगी। इस गाड़ी का जो फर्स्ट लॉट है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, और डिलीवरीज जो हैं वो अगले साल से शुरू होंगी। कैसी लगी आपको रिव्यू एल्टो? क्या आपको पसंद आया लैम्बोर्गिनी का प्लग इन हाइब्रिड का अप्रोच? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मज़ेदार लगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।